अरे अम्मा तुम जल्दी जाओ। ले बेटा, अरे सब बटोर रहे थे बेटा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ले जे है हमारे पास। सुनो हाँ। तुम भी हाँ। अच्छे से बिल्कुल याद कर लो, ओने कोने जहाँ पे भी जो भी झोल झपाटा करी हूँ, जो भी रकम दबी है, गहना है, कैश है, सब इतनी धर दियो, नहीं कसम से कह रहे सारो को सारो पानी के भाव चलो जाएगा। वो खट्टरानी वो जो छुपा के रखा है ना, वो भी फेंक दो इधर, फेंको। इतनो ज्ञान दो तुमने कर रहो, जो पहले रखो ना के सब। अरे रख रहे हैं ना। तुम कहूं काहे है कछु ऐसे, तुम अकड़ तबड़ का है तो बोलो ना मुंह से। नीते है और कछु याद आ रहा होगा हैं, सब गजनी तो नहीं हो गए? हाँ तो फिर ठीक है। कटोरा नहीं, मुझे कह रहे थे कि जिंदगी में कभी कोई गहना नहीं बनाए, तो ये क्या है सब? जो इंसान शैतान गबन करके बैठो है, बाको हम कोनो हिसाब किताब ना देंगे। हो गो, अब फटाफट समेट लियो, सब समेटो। चलो समेटो जल्दी जल्दी। एक मिनट। काहे? चम्मच जो आ रही थी ये तो तुम्हारे पास? हाँ तो हमारो हार है गो, तो हमारे पास रहेगो ना, हमारे लाल ने मेहनत की कमाई से बना के दो है तो हमें। जब हमने 30 पे पहनने के लाने मांगो होते तब तो तुम कही कि मंजू बुआ को दो है। हाउ हाउ तो बा के पास हतो ना, बा की नज़र भी तेरे जैसी खराब हैगी, दूसरों के गहने पे गड़ी रहती हैगी, हमने वापस मांग लो, आ गए हमारे पास। अच्छा कहो अम्मा, तुमने कितनी बार हमने तुमसे मांगो पहनने के लाने, अम्मा एक बार हमें पहनना है जो हार, तब तो तुम कई बहाने बनाते गई एक के बाद एक, सीधे साफ साफ मना कर देती कि नहीं देने हैं तुझे। हाउ मन ना हतो हम आओ, अपनी बात भूल गई, इतने सारे गहने जमा कर रखे हैंगे है, जे तो हमने ब्याह में दाई हते, और इतने मोटे मोटे सोने के कंगन, जे तेरी निछावर इतने बरस रही है। ऐसा अम्मा सच्ची कहे ना, हमें तुम्हारे गहने की जरूरत ना है, दरोगा जी हमारी सारी फरमाइश पूरी करते हैं, तभी मोहल्ले में ना सबसे ज्यादा गहने हमारे पास है। और चिल्ला लो, तुम तो लाउड स्पीकर बना दे सारो, हमें चिल्ला चिल्ला के बता दो कितनो गड़ो रखो है तपे। अरे अब बहुत जल्दी से छुपा ले, पता नहीं कौन कब टपक पड़े। वाह खट्टो वाह, मुझे चोर डाकू हैं दरोड़ा खोर सब बोलती हो, और ये सब क्या है, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनाए सेठ। हाँ हैं? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों पे पत्थर मारने का कोई हक ना है गो, और ज्यादा चकर चकर करी ना तो तुम्हारी पूछ उखाड़ देंगे हम। हमारी पूछ है ही नहीं, ध्यान से देखो हैगी। अरे तुम फिल्मी डायलॉग बाद में पेल लइयो, ते लइया लुट जाएगी, अबे हमें दे ना अपने नौकर को रोक। अरे उन्हें तुम रोको, हम जे सब ठिकाने लगा रहे और कछु तो नहीं है, चेक कर लइयो ठीक है, और लड़ियो ना तुम ससुर चौचियत करती हो। मैं ठिकाना बता दूंगा कहाँ रखता है वो, देख लो तो। आजा आजा बहनी आजा। हम का कह रहे जो अड्डा ठीक लग रहा हो इतनी खुदाई शुरू कर हैं, इतनी गाड़ देंगे। आई शाबाश। जाएगा बट इन दिस खोपड़ी देयर इज अ स्मार्ट माइंड। मुझे पता था कि सारे काले धंधे रात के अंधेरे में ही होते। तेरी एक एक पसीना की बूंद बहुत कीमती है यार, खोद दे जे, दम लगा के आई जा, दम लगा के आई जा। तू बस खुदाई कर अपो, तेरी खुदाई इस मोबाइल में मैं कैद करूंगा। ओह माय गॉड, बैटरी एंड मोबाइल पे डाउन हो। बहुत बढ़िया शाबाश, खोद दे। बहुत बढ़िया, बस 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 बहनी, आज हमें यकीन हो गो,
वकील गिरी तूने बेकार में ज्वाइन करी ले जो गाड़ दे अब। हम आप हमसे ही गड़बाओगे तुम। अरे हाथ तेरे गंदे हैं ना। अरे यार थक गए। तोप दे तोप दे। शाबाश बहुत बढ़िया। चलते हैं जरा थोड़ा सा टिकाते हैं। हाँ। तब जाके ये पूरा थकान मिट जाएगा। चल 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 चल। इसमें से कुछ ले लो। नहीं नहीं मनोहर तू ईमानदार पुलिस वाला है। हापू जैसा कत्तार नहीं। हाँ लेकिन मन तो कर रहा है कि मैं भी खुदाई। Oh my God! Oh my God! बेटा समझ गई ना? बेटा ऐसी एक्टिंग करने मतलब इतनो ज्यादा गरीबी इतनो ऐसो कछु कर ले कि मनोहरा सारू देखे ना इतनो इमोशनल हो जाए कि आंसू की धार लग जाए वही में डूब मरे। कैसी कही? अरे पापा टेंशन ना लो, हम झूठे एक्टिंग करके इमोशनल करने में ना एकदम माहिर हैं। बिल्कुल हम पे गई है। उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तुम पे भी तो गई। हाँ बेटा ककेरी। अरे आप टेंशन मत लो, ऐसा रुलाएंगे ऐसा रुलाएंगे वो खुद अपनी जीप ढीली करके जाएंगे यहाँ से। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए मनो आ गए आ गए। अरे काय भेपड़ो बजा रहे? पापा छह महीने से आपने स्कूल की फीस नहीं भरी है। कितना टाइम हो गया। अभी पिछले महीने की फीस तो मास्टर जी ने माफ कर दी क्योंकि मैंने उनके घर पे जाके प्रेस वेस किया था इसलिए। और कितना टाइम ऐसा चलेगा बता दीजिए पापा। बेटा जैसे घर के हालात चल रहे हैं गरीबी बिल्कुल खोपड़ी पे विराजमान है। अभी दो चार महीना और स्त्री कर लियो। जा महीने पीजना दही तो स्कूल से ही निकाल लेंगे। फिर मेरो इंजीनियर बनने को सपना टूट जाऊ। तुम स्त्री बन जा, वो भी एक तरह को इंजीनियर ही होते हो बस थोड़ी लेवल को फर्क है। ऐसो बेटा तुम लोगन के रोने से ना कछु नहीं होगो। ठीक है जो है सो है। ना अपुआ हमसे ना देखो जा रहे हो, हमसे कंट्रोल हो रहा हो रहा है। हमारी चेन ना उते धरी है। है तो तेरे डोकर की आखिरी निशानी। मगर ठीक है बच्चन की फीस की खातिर बेच दे बेटा बेच दे। बेच दे बच्चेन जब हमने बेची हम मत भाई हमें चेन मिलो किराना कुए का उठना पता पकड़ दो। सुनो हम क्या कह रहे हैं जब कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके हमारे बच्चन के स्कूल की फीस भर दे। ले जाओ लो मरो जाको बेच लो और जितने साल की बने सब फीस भर दो। थैंक यू पापा आपका ये त्याग बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। ये बड़ी जल्दी मिट जाएगी पापा जल्दी ये दिन निकल जाएंगे। अम्मा जो धी को लट्टो तहीं से कैप्चर करेगू। फोन में पता नहीं का घुसेड़ रहा होगा। अम्मा जी बिल्कुल एक घोट चाय बची होती। सही बच्ची है कि बहू ऐसो कर जाको फ्रिज में धर दे कल सवेरे उठने के बाद पी लेंगे। ठीक है हम रख देते हैं। अब्बू सिंह जैन साहब। अरे दादा जय हिंद। अरे राधे 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 अम्मा जी पाए लागू जी तो रहो। शाबाश अचानक से कैसे जी जी दो लोग पीछे कौन है? ये रेशम पाल हैं। रेशम पाल तो जे है गो मतलब उसका नाम रेशम है उसका नाम पाल है। अच्छा मिला के रेशम पाल हमें लगू आपको नाम। ये लोग गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने आए हैं हप्पू सिंह। गड़े हुए मुर्दे हम समझे नहीं।
समझाता हूँ। कल रात को तुमने काले धन की जो लाल पोटली अपने घर के पीछे गड्ढा खोद के छुपाई थी, उसे निकालने आए हैं। गरीबी का नाटक करते हो हैं? और मनोहर को उल्लू बना रहे हो, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है अप्पू सिंह। नहीं नहीं, ऐसो ऐसो कुछ मन अम्मा समझा, गलत फहमी हो रही है आपको। शट अप अप्पू सिंह, मनोहर ने खुद तुम्हें काले धन की पोटली छुपाते हुए देखा है। मनोहर ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। जैसे फ्री हुआ मैं मजदूरों को लेकर यहाँ पे आ गया। अब ये खुदाई करके सारा काला धन तुम्हारा निकालेंगे और तुम्हें जेल हो जाएगी अप्पू सिंह। बहुत लुक्का छुपी हो गई तुम्हारी। एक बात बताओ साहब, वैसे तो आपकी भी तिजोरी में जो कालो धन पेल पेल के जमा करो है, आपने बाकू का आपने नहीं खाई का न्योछावर बालू को ठेका भूल गए 51 लाख रुपए। चुप, अरे अरे बंद कर मनो, बंद कर, चालू रख, अरे धीके लट चालू रख, समझा करो। सामने हमारी तो खोल रहे हो। मैं स्क्रूटिनी में हूँ, ये बातें बाद में भी डिस्कस हो सकती है, मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, समझो। तो ड्यूटी पजामे में रह के करो। और कानून का आदमी हो के जो कानून तोड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चलो मनोहर, चल रे शंपाल। आपको नहीं सर, आपके पीछे जो खड़े उनको कहा, उन्हें बोलो, उन्हें बोलो। नहीं सर, अलग अलग बोलो ना, रेशम पाल एक बार साथ में बोल दे। चलिए सर। गुलाल, हम पीछे से सब सुन रहे थे, तुम्हारी तो लग गई। सुन ली ना तो तुमने, और का नमक बत्ती लगाना होगा सारे, देख रहा हूँ ना जो रेशम पाल कैसे हमारी कब्र खोद रहे हुए। धीमे बोल, कहीं और रिकॉर्डिंग में चल रही है। शुरू हो जा। सर मैं आपको नहीं सर, रेशम और पाल से कह रहा था। आप खोदो खोदो अच्छे से खोदो, अप्पू सिंह के सारे गुनाहों के सबूत यही मिलेंगे। खोदो। थैंक यू। माँ बाप ने सही नाम रखा है सर, रेशम। मनो हप्पू तो गियो। यस रेशम। खोदो खोदो। इस आदमी को हवालात में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता हप्पू, हवालात। कैसी बातें कर रहे सर, हम ऐसा करेंगे? वर्षों से जमा की हुई पूंजी हाथ से निकल जाएगी, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। सब कुछ हुआ तुम्हारे कारण ना, तुम पिताजी को उंगलियां करते जबरदस्ती कमाने के लाने, ना पिताजी जज गबन करते, ना जी केस खोलते, और ना हम सब की जताशा नाटक करने पड़ते। हाउ हाउ बहु, खुद को हीरोइन बना रही है, हमें विलेन बना रही है। ना बेटी जी, सब तेरी वजह से हुआ, ना तू हपुआ के पीछे रखती उसकी उंगलियां करती, हमको जे ला दो, हमको वो ला दो, झुमका ला दो, कंगन ला दो, घुइया ला दो, लसन ला दो, अम्मा से बढ़िया शर्ट ला दो, हो गया ना शर्ट सब। आप करो बस भी करो, इतनी देर हो गई जेल जाने की नौबत आई है, तुम्हें ना बस बहू को सुनाने सुना लियो, अम्मा खुश लियो। हाँ हाँ, तू तो हमारी तारीफ में बड़े कसीदे पड़ रही है। अभी निकलेंगे सारे तुम्हारे गुनाहों का सबूत। चमलन, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही खराब निकली, मतलब समझ लो अब जेल यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। लट तेरी यही प्रॉब्लम है,
जब हम मुसीबत में होते हैं तो और मनुष्य बोलेगो, अपना मुंह बंद रख। देखो जो है ना, हम सच बोलते हैं, हम वकील हैं पेशे से, सत्यवादी, समझे कि नहीं? हाँ, हमको तो लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत ना तुम्हारी हमेशा लेती है, इस बार तो पटक पटक के ले रही। तेज मारो, तेज मारो। अरे क्या देखो, तो टेंशन न दी हमें, गुर्दा वैसे ही सूख रहे हैं टेंशन में। साहब कुछ नहीं मिला। पत्थर पत्थर टंटना रहो। हमने पहले कही थी सर, कछु नहीं है। हाँ कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए खोदना। जम्मो तर कुछ चेल गए ना, हम तुम्हें माफ ना करिए कबो। तो होती कौन है हमें माफ करने वाली है? हाँ, हम तो को साफ कर देंगे। अभी हमसे ज्यादा बहस ना कर, बकवास ना कर, हम बड़े टेंशन में चिंता है रही है। जम्मो तुम्हें देख के लग तो ना रहो चिंता हो रही है। हाँ तो का चिंता की ओवर एक्टिंग करे तेरी तरह है? हमको नौटंकी वाली ना है तेरे जैसे। नौटंकी कर रहे हैं हम, तुम्हें सही में लगता है नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी काहे खिलाने करेंगे हम? जी गहने मिल गए ना अम्मा तो सब कछु जब्त तो हो जाएगा। दरोगा जी जेल में जाइए जब फांसी के बंदे पे आए बपाई। अप कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, क्योंकि अब खुदाई पूरी होने वाली है। आखिरी ख्वाहिश मतलब? आखिरी ख्वाहिश सर मतलब आप हापू सर को फांसी देने वाले हैं? हाँ। ये कैसी बातें कर रहा हूँ, तो को सारे इतनी लटका देंगे फालतू के कान भरे सांप के। हाँ, फालतू सांप जाकी बातन में ना आई। हाँ, हाँ, नहीं मिलेगा तो कि तुम्हें अपने आप को पास लोगे। भड़का रहा हूँ सारू। हाँ हाँ खोदो भैया खोदो, कछु नहीं है खोदो और तेज तेज लगा। अरे नहीं नहीं क्या जरूरत है, मिल नहीं रहा है तो क्या खोदने की जरूरत है? डर है का? अरे यार हमारे गुर्दे मुंह में आ रहे हैं भाई, समझ नहीं रहे तुम? तेरे से पहले हमारे आ रहे चुप रहे। मिलेगा जरूर मिलेगा, रुको धीरज रखो, धीरज के फल मीठे होते हैं। अब तो टंटन की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, तुम टंटनाओ मत ज्यादा। सर कुछ नहीं मिला। सर गड्ढा तो खाली। मैं भी देख रहा हूँ कि गड्ढा तो खाली है मनोहर, अंदर कछु नहीं है। 50 लाख का माल गायब बेटा। पोटली कहाँ गई? पोटली सर इस शहर में। ओह माय गॉड, मतलब सर चोर के घर में चोरी। अरे फट, मैं गरीब नहीं हूँ। अमीर भी नहीं हो। ओके सर, मेरा आज का काम पूरा हो गया, कल फिर यही फालतू काम करने के लिए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आना पड़ेगा। देख मनोहर, हमें तो उसे कोई शिकायत नहीं है, हम समझ रहे तू मजबूर है, और रेशमपला अपनो कमिश्नर साहब की भी क्या कहें, स्क्रूटनी बैठी है, धांधली नहीं कर सकते, वो भी हम समझते हैं, हम तेरे खिलाफ नहीं हैं, हमें एहसास है जा चीज को, हम बुरो नहीं मान रहे तेरी बात को, तू हमारे छोटे भाई जैसो है। ओ तो सर बड़े भाई होने के नाते प्लीज बताइए कि आखिर वो काला धन गायब कहाँ हुआ? तेरा दिमाग खराब है का? मैंने अपनी इन्हीं एक जोड़ी आंखों से देखा था। तू सारे अपनी आंखन में कछु दूरबीन फिट करा या प्याज को रस डाल, आखन की रोशनी बढ़ा, कालो पीलो नीलो सारे धीके लट कौन होंगे तो धनी नहीं है, हालत देख रहे हो जिस दिन देखी है हमने कब हूं अम्मच। कालू धन कहाँ है?
ले पूरे का टल ले। गया 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 गया। चूमलाल चूमलाल सुनो, मेरे पुतली गायब हो गई सबके साथ। सुनो, उसको तो बहला दिया मनोहर को, लेकिन ये बता मतलब सच में यार पैसा चोरी हो गया, गया कहाँ? मतलब अरे किस्मत चल रही है ऐसी, पता नहीं हमें लग रहा है चोरी हो गए हुए हैं, हालत खराब है हमारी, तू अभी दिमाग ना खराब कर। पता नहीं कौन ने चुरा। हाय अपुआ, बाप पोटली में हमारे सारे गहने आते, अब बताओ और वो जो नई चैन तूने दही आती ना, ये मोटी बहू से छुपा के नहीं। वाह, हमने एक बार भी ना पहनी, वो भी वो पोटली में थी।